नमस्कार, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ममता पाटोदी। हमारा प्रकरण है सुमित्रा नंदन पंत की कविता संग्रह के बाद आज हम इसका भाग 8 पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो भाग 7 तक पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि जो संध्या के बाद कविता है, सबसे पहले जो भाग हमने पढ़े हैं उसमें हमने पढ़ा जाना कि संध्या के बाद का जो वातावरण होता है कैसा दिखाई देता है, कैसा होता है। और यहाँ पर कवि ने ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण वातावरण के बारे में बताया है, उस वातावरण का, ग्रामीण वातावरण का वर्णन किया है। तो यहाँ पर गाँव का जो परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, वो संध्या के बाद किस प्रकार से दिखाई देता है, लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं और कैसे जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य कैसा दिखाई देता है, इन सबका वर्णन कवि ने यहाँ पर संध्या के बाद कविता में किया है। हमने पढ़ा कि जैसे इससे पहले वाला जो भाग था उसमें हमने पढ़ा कि इस संसार में सबको समानता का अधिकार नहीं मिलने के कारण सुख के साधनों का बंटवारा समान रूप से नहीं होने के कारण, आय के साधन सभी को समान रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण देश में दरिद्रता बढ़ती जा रही है। यानी ग्रामीण जो लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, उनमें निर्धनता, गरीबी अधिक होती है क्योंकि उनके आय का साधन नहीं होता है। जो भी छोटे मोटे छोटे छोटे जो भी उनके कार्य होते हैं उनसे जो थोड़ी बहुत आय प्राप्त होती है वही उनकी आय का साधन होते हैं। और यहाँ पर गरीबी ही इसकी जड़ बताई गई है कि गांव में निर्धनता का राज होता है। यानी अधिकतर लोग जो होते हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण, उनकी आय नहीं होने के कारण वो सही तरीके से, ठीक ढंग से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं और रहने के लिए उनके पास एक अच्छा सा मकान नहीं होता है, पहनने के लिए साफ सुथरे और अच्छे कपड़े उनके पास नहीं होते हैं। यहाँ पर उनके आय नहीं होने के कारण उनकी ऐसी स्थिति होती है। और उस रात्रि के अंधकार में, यानी शाम के समय के बाद, उस रात्रि के अंधकार में, निराशा भरे वातावरण में, अंधकार में वातावरण में जब वो मिट्टी के बने हुए अपने अपने घरों के अंदर जाते हैं तो अपनी भावनाएं अंदर ही अंदर व्यक्त होने लगती है। वो सोचते हैं कि हमारे देश में या इस संसार में अगर सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो, सभी को सुख के साधनों का उपभोग समान रूप से करने का अवसर मिले और आय के साधनों का बंटवारा कार्यों और गुणों के आधार पर समान रूप से हो तो हमारे देश में जो निर्धनता की समस्या है वो जड़ से समाप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ के कुछ जो धनवान लोग हैं वो शोषण, यानी कि गरीब लोगों का, निर्धन लोगों का या सामान्य जनता का शोषण करते हैं, उन्हें जो है प्रगति करते हुए और उन्नति करते हुए नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो उनकी दयनीय स्थिति है, उनके जो कष्ट है, पीड़ा है, वो यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्त की है। देखते हैं आगे कवि क्या कहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत ने जो गांव का एक बनिया है, एक दुकानदार है जो निर्धन है, जिसकी आय बहुत ही कम है, वो निर्जीव अनाज के ढेर के समान दिन भर अपनी दुकान में बैठा रहता है और अपने जब अंधकारमय वातावरण में वो गहर निद्रा में लीन हो जाता है तो उसकी आय किससे हुई, कितनी हुई, मूलधन क्या था, ब्याज क्या था उसका, ये सब भी वो भूल जाता है और अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करता है
दरिद्रता में इस सब का वर्णन कविता में किया गया है और कवि आगे क्या करना चाहते हैं देखते हैं पढ़ते हैं। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसन, पशु वसन कर पशु पर फिर मानव की हो जाए, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश की, जन का शांत जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की, टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आज पाव आटा लेने लो लाला ने फिर डंडे मारे, चीख उठा गुग्गू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे गाढ़ अलस निद्रा का। कहने का भाव यह है कवि ने हमारे देश के सामने और पूरे विश्व के सामने जो है यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या सभी को समान रूप से आय के साधन उपलब्ध नहीं हो सकते, क्या सबको समानता का अधिकार नहीं मिल सकता, क्या जो सामान्य जन है उनको शोषण से मुक्ति नहीं मिल सकती, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है जो व्यवस्था है क्या उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सब प्रश्न कवि ने इस कविता के माध्यम से हमारे देश के सामने इस विश्व के सामने रख दिए हैं। हमें इस पर विचार करना होगा और देश में जो गरीबी व्याप्त है उसे समाप्त करना होगा। यहाँ पर जो सामान्य व्यक्ति है जिसका अनेक प्रकार से शोषण होता है और उसे जो है अनेक कष्टों को भोगते हुए पीड़ाओं दरिद्रताओं से गुजरते हुए जीवन यापन करना पड़ता है, तो किस प्रकार से इन सबकी जड़ जो है भय की और इन सबकी दुखों की जो भी जड़ है वो गरीबी है निर्धनता है। आइए देखते हैं। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय। यहाँ पर कवि सुमित्रा नंदन वर्णन करते हैं कि दरिद्रता यानी गरीबी ही सभी पापों की जड़ है या सभी पापों की जननी है। कहने का अर्थ यह है कि गरीबी निर्धनता ही सभी की जननी है, जन्मदाता है या जड़ है। क्यों है? गरीबी के कारण ही व्यक्ति जो है अनेक कष्टों को सहता है, अनेक पीड़ाओं को सहता है और भयभीत करता है, उसका शोषण होता है। तो इन सब जड़ों इन सब की जन्मदाता या जननी कौन है? दरिद्रता अर्थात गरीबी। गरीबी ही प्रश्न बन रहा है हमारा यहाँ पर, सभी पापों की जननी किसे कहा गया है? तो यहाँ पर जो दरिद्रता है जो गरीबी है वही सभी पापों की जननी या जड़ है। मिटे जनों के पाप ताप भय। अगर दरिद्रता हमारे देश से हमारे समाज से या इस संसार से ही अगर दरिद्रता समाप्त हो जाए, गरीबी समाप्त हो जाए, तो सभी व्यक्तियों के पाप तक और जो भय की स्थिति है वो समाप्त हो सकती है, यानी सभी को समानता का अवसर प्राप्त हो सकता है। सुंदर हो अधिवास वसन, तन पशु पर फिर मानवी हो जाए। सुंदर हो अधिवास, सभी के को आय के साधन समान मात्रा में उपलब्ध होने पर या आय के साधनों का समान मात्रा में वितरण होने पर व्यक्ति को अधिवास यानी मकान या घर, वसन यानी कपड़े, तन शरीर, पशु पर फिर मानव की हो जाए। अगर सभी को आय के समान साधनों का वितरण हो, समानता का अधिकार प्राप्त हो और गरीबी की समस्या इस विश्व से ही समाप्त हो जाए, हमारे देश से समाप्त हो जाए, तो सभी को रहने
बंद कर लिए हैं। चारों ओर अंधकार में वातावरण है। निकल रहा बस्ती को धीरे निद्रा का अधर। अब जो है रात्रि का अधिक समय हो जाने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अलसाया हुआ अजगर गहन निद्रा में है और वो धीरे धीरे समस्त बस्ती को संपूर्ण बस्ती को निगल रहा है। कहने का भाव यह है, इस पंक्ति का अर्थ समझेगा, इसका अर्थ है कि अब चारों ओर अंधेरा छा गया है, निराशापूर्ण वातावरण है, अंधकार में वातावरण है, अंधेरा गहराता जा रहा है और सभी लोग जो है आलस्य से युक्त होकर गहन निद्रा में डूब गए हैं, निद्रा में लीन हो गए हैं और ऐसे करते करते पूरी बस्ती में जो है सन्नाटा छा गया है क्योंकि सभी गहन निद्रा में सो गए हैं। तो यहाँ पर कवि सुमित्रानंद ने दरिद्रता को, गरीबी को सभी पापों की जड़ बताया गया है। पहला प्रश्न हमारा यही बन रहा है। और अगर ये दरिद्रता या गरीबी समाप्त हो जाती है तो लोगों के अंदर जो भय है, जो पाप वो करते हैं, गरीबी होगी तो शोषण करेंगे, लूटपाट करेंगे, डकैती डालेंगे, कुछ भी कार्य करने के लिए वो मजबूर होते हैं। तो ये जो भी है ये सब दरिद्रता गरीबी समाप्त होने पर अपने आप समाप्त हो जाएंगे, मिट जाएंगे और गरीबी और नहीं रहेगी, प्रत्येक व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। तो क्या होगा, सभी के रहने के लिए गरीबी नहीं रहेगी तो रहने के लिए अच्छा सा मकान होगा, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी होंगे और उसका शरीर जो है स्वस्थ और स्वच्छ होगा और इस पशुता पर सभी को समानता का अधिकार मिलने पर, आय के समान साधन उपलब्ध होने पर, जो ऊंच नीच की भावनाएं, जाति पाति की भावना है और छुआछूत की भावनाएं, सांप्रदायिकता की भावना है, ये सब समाप्त हो जाएगी। ये जो है पशुता का ही प्रतीक है। ये सभी समाप्त होने पर मनुष्य इस पशुता पर विजय प्राप्त कर सकेगा, अर्थात इस देश में, समाज में, इस संसार में समानता की भावना व्याप्त होने पर सभी लोग सुख पूर्वक रह सकेंगे और जो सुख के साधन हैं उनका समान रूप से उपभोग कर सकेंगे। फिर पशुता पर मानवता की विजय होगी। व्यक्ति ये अकेले व्यक्ति के वश की बात नहीं है, अकेला व्यक्ति इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। जो समाज की, देश की व्यवस्था है उसमें अकेला व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता और यह तो इस संसार की पूरे विश्व की ही परंपरा है। सभी व्यक्ति मिलकर अगर प्रयास करें व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सभी को समानता का अवसर प्रदान करें और तो इस संसार के सभी व्यक्ति या संपूर्ण प्रजा सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यह सब अगर प्रत्येक व्यक्ति का मेहनताना जो है, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका पारिश्रमिक सभी में समान रूप से बढ़ जाए, यानी सभी को समान वेतन मिले समान कार्य के लिए, तो यहाँ पर जो है सभी प्रजा, प्रत्येक देश की प्रजा सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकती है। यह सब जो दुकानदार है, एक छोटा सा बनिया है, वो सोच ही रहा था, अपने अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे थे इतने में उसका स्वप्न टूट जाता है उस बनिए का, उस दुकानदार का। और कोई एक वृद्धा या एक बुढ़िया आधा भाव आटा लेने के लिए उसकी दुकान पर आती है। यह सब नहीं चाहते हुए भी उसकी आय कम होने के कारण उसने उस वृद्धा को कम आटा क्यों दिया, तराजू की डंडी क्यों मारी, कम आटा क्यों दिया, क्योंकि उसकी आय कम होने के कारण और दरिद्रता होने के कारण, गरीबी होने के कारण जब वो बुढ़िया आधा भाव आटा
बस्ती को निगलना यानी कि संपूर्ण बस्ती जो है संपूर्ण बस्ती के लोग अब गहन निद्रा में डूब गए हैं, गहन निद्रा में लीन हैं। हमारा यह जो पाठ है श्री नित्यानंद पंथ का यहीं पर समाप्त होता है और आगे हम दूसरा जो आगे का